कौन है? अरे कितने बज रहे हैं? अच्छा याद आया, सुबह उठ के मेरे को एक्सरसाइज करनी थी। एक सेकेंड, अगर मैं आज एक्सरसाइज करूँगा भी तो कौन से एक दिन में बॉडी बन जाएगी। चलो सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के करूँगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कुछ काम करना चाहते हो लेकिन आपका कंफर्ट जोन आपको बाहर नहीं आने देता। नमस्कार, मैं हूँ कनिष गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं कि कंफर्ट जोन होता क्या है और क्या आपके लिए सही में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है भी या नहीं, और हम इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। क्या है कंफर्ट जोन, ये मैं एक फेमस कहानी का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये कहानी है एक हाथी और महावत की। बचपन में हाथी छोटा होता है और महावत उसके पैर लोहे की जंजीरों से बांध के रखता है, और वो छोटा हाथी बहुत कोशिश करता है उन जंजीरों को तोड़ने की, पर वो बचपन में उन जंजीरों को नहीं तोड़ पाता। अब वो हाथी बड़ा हो गया है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, लेकिन वो अब उस जंजीर को तोड़ने का ट्राई ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया है। उसे लग रहा है कि अब जो है सही है, कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मैंने बचपन में बहुत ज्यादा ट्राई कर दिया है। जबकि असलियत ये है कि अगर वो अब ट्राई करेगा तो उसे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर वो जंजीर को तोड़ देगा। बस उसे यही करना है, एक बार ट्राई करके देखना है। क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है? हमने मेंटल लेवल पे कुछ बाउंड्रीज तो नहीं सेट कर ली? हमने खुद को जंजीरों में तो नहीं बांध लिया? ये कुछ सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। बचपन में हमारे बहुत ख्वाब होते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और हम बचपन में ट्राई भी करते हैं सेम हाथी के बच्चे की तरह, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। जबकि अब वो काम को करना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि अब हमारे पास बचपन के कंपैरिजन में नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर आपको कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव करना है तो आपको इस कंफर्ट जोन के बबल से बाहर आना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, जो कुछ भी आपने सोचा था और आपकी जो बकेट लिस्ट थी उसमें आपने सब कुछ टिक कर दिया, तो मेरे दोस्त आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको आगे इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो व्यक्ति हो जिसे ये लगता है कि आपके अंदर और कैपेबिलिटी है और आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो और जिंदगी में आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आप आज शुरू करिए और छोटे छोटे स्टेप लीजिए। अगर आप फिट रहना चाहते हो और आप हर दिन वॉकिंग नहीं करते हो, अब आपको आज से खाली 15 मिनट वॉकिंग करनी है, और धीरे धीरे करके आप अपने वॉकिंग का टाइम बढ़ा सकते हो। आप 15 दिन बाद इस वॉकिंग के टाइम को आधा घंटे तक ले जा सकते हो, और अगले महीने मतलब सेकेंड मंथ आप जॉगिंग शुरू कर सकते हो। इससे ये होगा कि हम अपना कंफर्ट जोन को स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने वॉकिंग करी पूरा एक महीना आधा घंटा, अब हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ चुके हैं। वॉकिंग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो हम जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगले महीने ऐसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा कंफर्ट जोन था पहले कि हम बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं कर रहे थे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वॉकिंग करनी हमने स्टार्ट करी। अब हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ चुके हैं, वॉकिंग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो हम जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगले महीने ऐसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जहां पे हम बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं करते थे और अब हम रनिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऐसे करके हमें बहुत अच्छी कुछ टाइम के अंदर ग्रोथ दिखाई दी। और ऐसा नहीं है कि ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने देख ही रखा है कि जो मैं चैलेंजेस इस चैनल पे लेता हूँ, मैंने 10,000 स्टेप्स का चैलेंज भी लिया था, उसके अंदर कुछ तकलीफें आई थी, लेकिन एंड में हमने उन तकलीफों को पार करा और
10,000 स्टेप्स से ज्यादा ही अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप गोल सेटिंग करिए और उन गोल्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी करिए, और अगर आपके कुछ गोल्स अचीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप उन गोल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते वक्त आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ सकता है, इसमें आपको फिर ओवरथिंकिंग हो सकती है, आपको कभी कभार खुद पे सेल्फ डाउट भी हो सकता है, कहीं मैंने ये अपनी जो गोल्स मैंने सोचे हैं कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा ऊंचे तो नहीं बना लिए, ये सब होगा। लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना है और हर बार आप मेहनत करते हुए खुद से बोलते रहिए कि मैं तो ये कर लूंगा। इससे ये होगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जब हर बार बोलते रहोगे मैं ये कर लूंगा मैं ये कर लूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको आपके वो उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। गोल्स आपको कैसे प्लान करने हैं और पूरे करने हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है, अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो करा तो आप बड़े आराम से इजिली अचीव कर लोगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने गोल को देखकर डर सकते हो, अरे ये गोल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर आप उस गोल को देखकर ये कह सकते हो ये गोल काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन जो मुसीबतें आएगी उसका सॉल्यूशन निकालने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इस एक्साइटमेंट के साथ उस गोल की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हो और आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हो, आप खुद भी नहीं जानते, उस छोटे हाथी की तरह। तो आप अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करिए और ट्राई करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद जी।